राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से बाहर निकलते ही एक बार फिर कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। यात्रा के दौरान पार्टी के भीतर मौजूद गुटों में चुप्पी छाई रही। हालांकि यह तय था कि गुटबाजी वाले नेता यात्रा के हरियाणा में एंटर होने के साथ ही बयानबाजी शुरू कर देंगे और इसकी शुरुआत की है पंजाब कांग्रेस प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजस्थान में एक तीसरी पार्टी भी है जो मुख्यमंत्री की प्रायोजित है। हरीश चौधरी का इशारा बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP की ओर था। दरअसल विधायक हरीश चौधरी चौटन इलाके के कापराऊ गांव में पूर्व सरपंच स्वर्गीय हरजीराम सेवर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस मौके पर चौधरी ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस, BJP और एक तीसरी पार्टी भी है, वो हमारे अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। कांग्रेस, BJP, एक तीसरी पार्टी और है, हमारे अशोक गहलोत जी ने प्रायोजित पार्टी है। और बड़ी जिम्मेवारी से ये बात मैं कह रहा हूँ, वो हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है, पार्टी है, पार्टी। कोई भी लेखा जोखा चाहे विधाता माता के मंदिर में जाकर कर ले, चाहे खेमे बाबा के मंदिर में जाकर कर ले, और कोई ईमानदारी से इसका लेखा जोखा करना चाहे तो कर ले। मैं तो वहां भी लोगों को बोला, मैं तीसरी जगह डालकर उस खड्डे में डालकर क्या कर भैया। अशोक जी हमारी पार्टी की, उनकी मदद करनी तो सीधी हमारी मदद करो, कांग्रेस पार्टी में मदद करो, तीसरी जगह वहां पर वो विरोध और विवाद तीसरी जगह उस दिशा के ऊपर ही। दरअसल विधायक हरीश चौधरी व सांसद हनुमान बेनीवाल राजनीति में विरोधी माने जाते हैं। सांसद बेनीवाल जब भी बाड़मेर आते हैं तो हरीश चौधरी पर जुबानी हमला करते रहते हैं। वहीं सांसद बेनीवाल बायतू में हुए हमले का जिम्मेदार हरीश चौधरी को मान रहे हैं। संसद की दखल के बाद हरीश चौधरी व उनके भाई सहित 15 लोगों के खिलाफ सांसद पर हमले की FIR भी दर्ज हुई थी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।